श्री तुलसीदास जी बोले कि राजन चिंता मत करो, इन 9 ग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह है। कौन सा ग्रह? भगवान का अनुग्रह। अगर भगवान का अनुग्रह हो तो ये 9 ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे। और उन्होंने एक पद ही सुना दिया। वे कहते हैं, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय, अरे तब जानकी नाथ सहाय, कौन बिगाड़ कहे दर तेरा। बाधित हो गई, सहज विमल मन लागी समाधि। देवराज इंद्र को भ्रम होता है कि ऐसा तो नहीं कि ये मेरे पद को छीनने के लिए ये तपस्या कर रहे हो। तो इंद्र ने कामदेव को समाधि भंग करने भेजा कि जाओ नारद जी की समाधि भंग कर दो। कामदेव गया अपने सहायकों के साथ, बड़ी चेष्टा की पर कुछ ना बिगाड़ सका नारद जी का। इतनी चेष्टा की पर सीम को चाप सके को तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। तो
कामदेव आखिर में हार गया और नारद जी के चरणों में गिर गया। और कामदेव चरणों में गिरा, नारद जी की समाधि खुली। नारद जी ने कहा, अरे काम, तुम महाराज सहायकों के साथ आया था आपकी समाधि भंग करने, पर आपकी समाधि भंग नहीं हुई, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, एक आदमी कह रहा था कि मुझ पर लोगों ने तलवार तोप बंदूकें सब कुछ चलाया पर मेरा कुछ नहीं हुआ। तो दूसरा व्यक्ति बोला, भैया क्यों नहीं हुआ कुछ? कहा, क्योंकि मैं किले के अंदर था। इसी तरह नारद जी भगवान की रक्षा रूपी किले के अंदर थे, इसलिए कामदेव कुछ ना बिगाड़ सका नारद जी का। चरणों में गिर गया कि महाराज आपकी समाधि भंग करनी थी, आप धन्य हैं, आपकी तो समाधि भंग ही नहीं हुई। अब देखिए, नारद जी भगवान के गुण गाते हैं, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीण। पर नारद जी भगवान के गुण भूल गए कब? जब अपने गुण सुनाई देने लगे। और सचमुच जीव भगवान के गुण भूल जाता है कब? जब उसको अपने गुण सुनाई देने लगते हैं। महाराज आपने मुझे तो जीत ही लिया, साथ में आपने क्रोध को भी जीत लिया। आप में तो क्रोध भी नहीं और काम भी नहीं। नारद जी बोले, कह देना देवराज इंद्र से कि मुझे उसके पद का लोभ भी नहीं। तो नारद जी सोचते हैं कि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। कामदेव गया, सुरपति सभा में वर्णन किया कि नारद जी तो बहुत बड़े मुनि हैं, आप तो गलत सोच रहे थे, वे आपके पद को लेने के लिए तपस्या थोड़ी करेंगे। मुनि ही प्रशंस हरि ही शरणावा, सबने प्रशंसा तो मुनि की पर प्रणाम भगवान को किया कि भगवान आपकी कृपा से। नारद जी ने सोचा कि मैंने काम को जीत लिया, काम को तो शंकर जी ने भी जीता था, पर वे क्रोध को ना जीत सके, तो चलो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं कि प्रभु। अब नारद जी भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज नारद जी आए हैं तो श्री राम कथा हमें सुनने को मिलेगी। तो भगवान शंकर बोले, नारद जी अब आप हमें श्री राम कथा सुनाएं। नारद जी बोले, अब हम दूसरी कथा कहने लगे हैं आजकल। अब भगवान शंकर सोचें कि कथा तो भगवान की ही होती है, वो तो नित्य नूतन है, परम पुरातन है, दूसरी कथा कौन सी? तो राम कथा का स्थान किसने ले लिया? श्री तुलसीदास जी व्यंग करते हैं, मार चरित शंकर ही सुनावा काम कथा। शंकर जी तो चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। तो नारद जी बोले कि क्यों, कैसी लगी कथा? शंकर जी बोले कि ये मत पूछो कि कथा कैसी लगी, पर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये कथा तुमने मुझे सुनाई और किसी को मत सुनाना। तो नारद जी बोले, मुझे तो भगवान के अतिरिक्त और किसी से मतलब नहीं है, कहा उन्हीं को मत सुनाना, तिमि जनि हरि ही सुनायउ कवहु। नारद जी बोले कि वैसे तो नहीं सुनाऊंगा, पर अगर चर्चा चल जाए, कहा चली वो प्रसंग दुराए वो तब। सुंदर सिखावन दिया भगवान शंकर ने,
पर नारद जी को अच्छा नहीं लगा। अब ब्रह्मलोक में गए नारद जी। अब कुछ दिनों बाद नारद जी अपना वीणा बजा रहे हैं। एक बार कर तलवर वीणा, एक बार सागर में गए, क्षीर सिंधु गवनेउ मुनि, और वहां पर भगवान विष्णु जी शयन करने ही वाले थे। लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही थी। इतने में नारद जी आए। तो नारद जी प्रणाम करने के लिए झुकने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, तो नारद जी ने भी सोचा कि अब ये भगवान भी समझ गए हैं कि अब ये पुराने वाले नारद नहीं रहे, अब इनको प्रणाम की आवश्यकता नहीं, अब तो ये हमारी बराबरी के हैं और बराबरी वाले तो मिलते ही हैं। और प्रणाम भगवान ने करने नहीं दिया, छाती से लगा लिया। और अब नारद जी नीचे बैठने लगे तो भगवान बोले, नहीं नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, बैठे आसन ऋषि ही समेता, अपने बगल में ही बिठा, यहाँ बैठो। नारद जी ने सोचा कि सच में जब भगवान सच में ही समझ गए हैं कि हम इनकी बराबरी के हैं। भगवान बोले, कहां रहे? पर नारद जी मौके की तलाश में, अरे महाराज समाधि लग गई, भंग नहीं हुई क्या? अरे सर्दी गर्मी धूप में भी नहीं, अरे प्रभु इनकी कौन कहे, काम देव आया, बड़ी चेष्टा की पर मेरी समाधि भंग ना कर सका, प्रभु मुझे क्रोध भी नहीं आया। शंकर जी ने तो काम को जीता ही था पर क्रोध को ना जीत सके, हमने क्रोध को भी जीता। भगवान ने एक व्यंग्य और किया कि नारद जी तुम्हारे सुमिरण ते मिटहि मोह मार मदमान, आपके स्मरण से ये कामादिक विकार नष्ट होंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब तक भगवान के नाम से कामादिक विकार नष्ट होते थे, अब हमारे स्मरण से होंगे। नारद जी ने कहा, नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, और नारद जी तो चले गए। पर लक्ष्मी माता ने भगवान श्री विष्णु जी से पूछा कि आपने तो इनका अभिमान और बढ़ा दिया प्रभु। कहा कि जरूरी था बढ़ाना,
रोग का बढ़ाना भी क्या जरूरी होता है? हाँ, जैसे किसी व्यक्ति के कहीं भी किसी अंग में, जैसे हाथ में फोड़ा हुआ, तो अब वो एक डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा तो कब उठा था ये? ये अभी एक ही दिन हुआ। अच्छा कोई डर चिंता की बात नहीं है, पर हम जो दवा दे रहे हैं इस दवा का सेवन कर लेना तो ये फोड़ा यहीं पर बैठ जाएगा। तो डॉक्टर ने दवा तो दी पर मरीज ने उस दवा का सेवन नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे दवा ले लेना ही पर्याप्त समझते हैं, सेवन नहीं। तो डॉक्टर ने दवा तो दी पर मरीज ने उस दवा का सेवन नहीं किया, और जब सेवन नहीं किया तो फोड़ा अपनी जगह बैठा तो नहीं और बढ़ गया। तो अब चार दिन बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा तो कब उठा था ये? 4-5 दिन हो गए। तो किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गए थे। उन्होंने दवा दी थी? हाँ दी थी। कहा था कि दवा का सेवन कर लेना तो फोड़ा बैठ जाएगा? हाँ कहा था। तो दवा खाई? कहा नहीं खाई। अब कहो तो खा ले। दूसरा डॉक्टर कहेगा कि अभी ये नहीं बैठेगा। तो फिर डॉक्टर साहब क्या करना पड़ेगा? कहा अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही कर दो। कहा कि अब बैठने लायक रहा नहीं है और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, इसको अभी और बढ़ाएंगे, बस यही है। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ। पहले डॉक्टर शंकर जी, अगर उनकी उपदेश की गोली ये खा लेते तो ये फोड़ा यहीं पर बैठ जाता, पर इन्होंने नहीं खाई। तो दूसरे डॉक्टर भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी, मैंने इस फोड़े को और बढ़ाया, अब ऑपरेशन के लायक हो गया है, तो अब ऑपरेशन करने की तैयारियां करते हैं। वरचो मग महानगर तेहि सत जो जन विस्तार। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और जहां कुछ नहीं था वहां पर सब कुछ बना दिया। नगर 100 योजन का, वहां का राजा शील निधि अपनी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा रहा था। अब नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। इतनी तैयारियां देखकर उनका मन विचलित हुआ और वे शील निधि राजा के महल में गए। वह राजा बड़ा स्वागत सत्कार करता है नारद जी का और अपनी बेटी को बुलवाकर कहता है कि महाराज मेरी बेटी की हस्तरेखा देख लो। नारद जी ने हस्तरेखा देखी और जो विश्वमोहिनी को देखा तो देखते ही रह गए। विवाह की इच्छा हो गई। देखिए, जैसे पुराने समय में लोग रेडियो सुनते थे, रेडियो, तो उस रेडियो को जिस स्टेशन की रेंज में ले जाओ उसमें उसी का प्रोग्राम आने लगता था। ऐसा ही ये मन है, ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये तो रेडियो है, इसको तो जिस स्टेशन की रेंज में ले जाओगे
उसी का प्रोग्राम आने लगेगा। अगर इसको कुसंग की रेंज में ले जाएंगे तो इसमें वासना का कार्यक्रम आने लगेगा, और अगर इसी मन को सत्संग की रेंज में ले जाएंगे तो इसमें भक्ति भावना का कार्यक्रम आने लगेगा। उन्हीं नारद जी ने जब गंगा जी को देखा तो जिन चरणन ते नित सी सुर सरी, और उन्हीं नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो विवाह की इच्छा हो गई। हस्तरेखा में लिखा था कि जो विश्व मोहिनी से विवाह करेगा वो अमर अजर होगा, वो पहले से ही अमर अजर होगा। पर नारद जी ने यह अर्थ लिया कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर अजर हो जाएगा। नारद जी अब विचार करते हैं कि बाकी तो मैं भगवान हो ही गया हूं, बस मेरे भगवान होने में केवल लक्ष्मी की ही कमी है, तो वो कमी हो जाएगी पूरी। भगवान तो अपने विश्व मोहिनी के साथ ससुराल सागर में ही रहते हैं, क्षीर सागर में। भगवान लक्ष्मी जी के घर में ही रहते हैं, क्षीर सागर में। तो नारद जी सोचते हैं कि इस राजा का कोई बेटा तो है नहीं, तो मैं भी इसी के साथ रहा करूंगा, और बस मेरे विष्णु बनने में जो कसर रही थी वो भी अब पूरी हो जाएगी। पर बाकी सब तो ठीक है, पर जरा चेहरा ऐसा नहीं, सुंदर होना चाहिए, सुंदर। तो सुंदर कैसे लाएं? कहा चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुविधि विनय कीन तहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान से प्रार्थना करते हैं नारद जी, बुलाते हैं, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरे विवाह करने की इच्छा है। भगवान बोले बड़ा सुंदर विचार है, हमारे लायक कोई सेवा? नारद जी बोले कि आपन रूप देह प्रभु मोही, प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि वाह नारद जी, अद्भुत वरदान मांग रहे हैं, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा। महाराज और कोई उपाय नहीं है। अब भगवान सोच रहे हैं कि इन्हें सुंदर बनावे या ना बनावे। राम सदा सेवक रुचि राखी तो सुंदर तो बनाना चाहिए, पर ऐसा सुंदरता किस काम की जो आदमी की जिंदगी को बंदर बना दे। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु जेही बेधि हो नाथ हित मोरा, ते मोरा।
आप वही करो। भगवान बोले कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदना दे सुनो मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हारो मैं ठाऊ, अस कह अंतर हित प्रभु भयो। बीमार कोई बीमार व्यक्ति जब वैद्य से कोई चीज मांगता है तो वह उसको वह देता नहीं है, ऐसे ही मैंने यही विधि हित तुम्हार मैं ठायो, अस कहे अंतर हित प्रभु भयो। अब नारद जी भगवान के द्वारा वानर आकृति तो नहीं पर बंदर का चेहरा प्राप्त करते हैं, बंदर का चेहरा। तो अब मुझे तो लगता है कि नारद जी का वो बंदर वाला चेहरा या तो विश्वमोहिनी ने देखा या तो खुद नारद जी ने देखा, भगवान ने देखा, पर दोने और देखा किसने? शंकर जी के गणों ने। शंकर जी ने अपने तो गण पीछे लगा दिए थे कि ये कहेंगे जरूर इनको मना किया है, तो आंखों देखा हाल बताना, तुरंत हमें बता देना। सूचना पहुंची कि भगवान शंकर तक कि नारद जी ने कहा था कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वही काम कर दो, तो भगवान राम ने उनको बंदर बना दिया। तो सोचते हैं नारद जी, सोचते हैं शंकर जी कि इसका मतलब है कि भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसे बंदर बना देते हैं, या यूं कहो कि जो भगवान का बंदर बन जाता है उसी में उसका हित होता है। नारद जी को बंदर का चेहरा मिला, और पर नारद जी जब सभा में गए तो नारद जान सभी सिर नावा, सबने नारद जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त की हंसी नहीं कराना चाहते, सभा में और किसी ने भी नहीं देखा। पर विश्वमोहिनी ने नारद जी की तरफ एक बार देखा, केवल एक बार, इसके बाद विश्वमोहिनी ने नारद जी की तरफ देखा ही नहीं, एक बार देखा फिर देखा ही नहीं। शंकर जी तक खबर पहुंची, शंकर जी समझ गए कि यही हित हुआ कि विश्व को मोहित करने वाली भगवान की माया सबको व्याप्ती है, पर जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी तरफ देखती तक नहीं है। भगवान की माया तो अपरंपार है, सब जग को रही न चाह न
चाय हरि माया जादूगर हुए मस्ती में नाचते हुए गाए जग को रही नचाया हरि माया जादूगर जय हो। पार नहीं पावे या सबको नाच न चावे कोया को पार नहीं पावे या सबको नाच न चावे कोया को पार नहीं पावे या सबको नाच न चावे मैं दुख को दर्शाय हरि माया जादूगर सुख मैं सुख को हरसाय हरि माया जादूगर सुख मैं दुख को दर्शाय हरि माया जादूगर सुख को हरसाय हरि माया जादूगर सब जग को रही न का क्या कोई उपाय है? एक उपाय है जो राम नाम मुख बोले कोया सो निर्भय डोले सदगुरु गैल बताया हरि माया जादूगर सदगुरु गैल बताया सब जग को रही नचाया हरि माया जादूगर जग को रही नचाया हरि माया जादूगरनी।
घोषणा करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत आप समस्त कथा प्रेमी बंधुजन। रामचरितमानस की कथा पूज्य श्री बाल व्यास जी महाराज की अमृतमय वाणी से आप रसा स्वादन कर रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको आप दिल से बताइए, आपको आनंद आ रहा है ना? आवाज नहीं आई, आनंद आ रहा है? तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए व्यास जी के लिए। अब निवेदन करना चाहूंगा, जो अभी भजन गाया ना, राम नाम इतना मीठा है, कोई व्यक्ति यदि गा के देखता है ना तो उसके अपने आप पैर थिरकने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं एक बालाजी की कृपा उसके जीवन में होने लगती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मऊरानीपुर के भक्त या तो संकोच कर रहे हैं या फिर बालाजी की कृपा पूरी तरह हुई नहीं। ऐसे ही लग रहा है क्या? या तो संकोच कर रहे हैं आप लोग, या फिर अभी बालाजी की कृपा हुई नहीं है कि जब भजन मंच से गाया जाए आप लोग मस्ती में आ जाएं, कि आपको भी लगे कि वाकई में राम नाम की महिमा, उसका असर हमारी जिंदगी में दिखने लगा है, हमारे पैर थिरकने लगे हैं, हमारी बॉडी में वो कंपनता आने लगी है कि जो हमें बाल व्यास जी की ओर आकर्षित कर रही है, हमें राम कथा से जोड़ रही है, हमें बालाजी महाराज से जोड़ रही है। यदि आपको ऐसा फील हो, 3.5 घंटे 4 घंटे यहाँ बैठकर आपको अनुभव हो कि वाकई में कथा में बहुत आनंद बरस रहा है, और जब मंच से भजन गाया जाए तो निसंकोच आप भी बालाजी की तरह ना अपने ऊपर अपने खड़े होकर और नाचने लगिए, यही बालाजी की पूरी कृपा है, तब समझेंगे कि ये राम कथा सफल हो गई। सही बात है। देखिए इतना सुंदर आयोजन, भव्य आयोजन, और आप सभी कथा प्रेमी रसिक श्रोतागण जो यहाँ उपस्थित हैं विराजमान हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस कथा का पूर्ण आनंद लिया जाए, और आनंद के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, यही आनंद है, यही आनंद हमारी जिंदगी के साथ जाने वाला है। कहते हैं कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो पूर्वज आज हमारी दुनिया को छोड़कर गए, वो स्वर्ग में गए, नरक में गए, किसी को मालूम नहीं। ये सच्चाई है, कोई नहीं बता सकता गारंटी के साथ 100% श्योर कि मेरे दादाजी दादी जी स्वर्ग गए, नरक गए, कहाँ गए, ये सब परमात्मा फाइनल करते हैं, हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। लेकिन ये सच्चाई है, हम यहाँ जो करते हैं ना अच्छा कर्म, वही हमारे जीवन का स्वर्ग बन जाता है, और जो करते हैं गलत कर्म, वही हमारी जिंदगी का नरक बन जाता है। तो यहाँ बैठे 3.5 घंटे इस पांडर परिसर को हमें स्वर्ग बनाना है, वो आनंद की अनुभूति कि यहाँ हमारा जीवन रुके नहीं। घर वाले यदि बेड़ियां भी डाल दें कि नहीं आपको कथा में नहीं जाना, लेकिन मन मचले हमें तो भगवान की कथा में ही जाना है, हमें बाल व्यास जी की कथा सुननी है। चाहे कितना भी काम छूट जाए, व्यापार छूट जाए, बिजनेस छूट जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, लेकिन राम नाम का यदि एक लालच आपके दिल में आ गया कि नहीं हमें तो 3.5 घंटे और 7 दिन जो मिले हैं बाल व्यास जी के पावन सानिध्य में सिर्फ और सिर्फ कथा सुननी है और कुछ नहीं देखना, यही हमारी जिंदगी का असली स्वर्ग है और यही जिंदगी का असली आनंद है। इसके लिए हम कितना भी पैसा खर्च करें, ये आनंद बार बार नहीं मिलता। और आपको तो पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप बताइए, आपसे कोई पैसा लिया गया कि आप कथा में आई और 3.5 घंटे बैठिए? आपसे तो पैसा भी नहीं लिया जा रहा। हाँ, पैसा लिया जा रहा है आपके आनंद को परम आनंद में बदलने के लिए। आनंद के बाद क्या रहता है? परम आनंद। और परम आनंद के बाद कोई सीमा नहीं रहती, वो परम आनंद जो हमें परमात्मा से मिलाता है। आपका आनंद रहे, लेकिन आपका आनंद किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे, वो जिंदगी का परम आनंद है, परम सुख है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। आप यहां बैठे कथा सुन रहे हैं और आपके मन में आनंद आया कि चलिए मैं भगवान की कथा सुन रहा हूं, और मेरे द्वारा भी 5,000 रुपए का छोटा सा सहयोग किसी दिव्यांग बंधु को पहुंचे, तो उस माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है जो कई वर्षों से अपनी जिंदगी में उस बच्चे को खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। यानी कि छोटा सा सहयोग आपने दिया, लेकिन मुस्कुराहट किसी और के चेहरे पर आ गई जिसको हमने देखा भी नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सुना है, वह हमारी जिंदगी का परम आनंद होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा स्थानीय मऊरानीपुर के सभी भक्त परिवारों से, आप सभी इस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा परम आनंद भी आपको मिले तो नारायण सेवा संस्थान परिवार इस छोटे से प्रयास में। देखिए लोग ये कहा करते हैं कि नारायण सेवा तो बहुत बड़ी है, बहुत सहयोग आता है, हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, नारायण सेवा बहुत बड़ी नहीं, नारायण सेवा एक छोटी सी बगिया है, और उस बगिया में
श्रद्धे साधु श्री कैलाश मानव जी ने सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, फूल खिलाए हैं। उस बगिया में पानी देने का काम, उनको सींचने का काम आपकी मुस्कुराहट, आपका सहयोग, आपका अनुदान है। जो आपकी दुआएं वो आशीर्वाद है। जितना हम सहयोग का पानी उसमें डालेंगे उतने ही वो सुगंधित पुष्प खिल उठेंगे, वरना ऐसी गर्मी में पुष्प भी मुरझा जाएंगे। वो बच्चे जो छोटे छोटे हैं, नन्हे मुन्ने, जिंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारी तरह आपकी तरह कोई पढ़ लिख कर एडवोकेट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई इसी प्रकार बाल व्यासी की तरह अपने हुनर को कहीं ना कहीं ऐसे मंचों को प्राप्त करते हुए अध्यात्म से, राम कथा से, भगवत कथा से, सत्संग वार्ता से जनमानस को जोड़ना चाहता है। लेकिन अफसोस यही है, एक दिव्यांगता उनके जीवन में है, उनके सारे सपने चूर हो जाते हैं। तो उनके सपनों को क्या करना है, हमें आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की तरह पंख लगाने हैं, उनके जीवन के सपनों को साकार करना है। एक चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट लानी है, उनको भी यकीन हो जाए, विश्वास आ जाए कि वाकई में जो हमारे धर्म के माता पिता बने हैं, आप जब सहयोग करते हैं ना तो हम उनका उद्बोधन करते हैं उनके नाम से कि आप उनके धर्म के माता पिता बनते हैं, ताकि वो बच्चे आपसे खून का रिश्ता नहीं है लेकिन एक रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता, मानवता का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता। और प्रेम का रिश्ता कैसा होता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। जब किसी से दिल से प्रेम होता है ना तो वहां स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाता है। और जब निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाता है तो प्रेम कैसा होता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। हम अपबीती कहते हैं दोस्त गैरों की नहीं, प्रेम अगर दिल से सच्चा हो तो पत्थर में भी भगवान दिखा देता है। जब परमात्मा से प्रेम होता है ना तो पत्थर की प्रतिमा में भी हमें हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे नारायण प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे हमें प्रेम हो चुका है, हमें लगाव हो चुका है। तो वही प्रेम आपके दिल में जागृत हो जाए उन बच्चों के लिए भी कि चलिए वो हमारे अपने परिवार के हैं, खून का रिश्ता नहीं है लेकिन एक प्रेम का रिश्ता है, और इसी रिश्ते को निभाते हुए हम उन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। तो अवश्य नारायण सेवा संस्थान परिवार का सेवा कार्यालय बना हुआ है, जो सामर्थ्यवान है, हमारा प्रयास रहेगा, प्रार्थना रहेगी आपके चरणों में, कम से कम प्रत्येक परिवार एक बच्चे का ऑपरेशन कराकर इस दीपावली के पावन पर्व को आप सफल बनाएं। आप अपने घर में दीपक जलाएं तो एक दीपक उस घर में भी जले, जो दिव्यांग बंधु कई वर्षों से पीड़ित है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, परमात्मा ने आपको दिया है, तो कम से कम एक बच्चे के ऑपरेशन की राशि मात्र 5,000 रुपये का सहयोग आपके परिवार के द्वारा अवश्य सेवा कार्यालय में पहुंचे और आप व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। तो आइए आज के कथा के तृतीय दिवस पर सर्वप्रथम जो भक्त परिवार जुड़े हैं, स्थानीय हैं, उनके नाम हमारे पास मंच पर आए हैं, उनके नामों की घोषणा मंच से करें। आप सभी भक्तों से प्रार्थना की एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्णा। अपने नाम को गुप्त रखा है एक भक्त परिवार जुड़े हैं और जिन्होंने एक ऑपरेशन का सहयोग संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करते हैं। हमारे स्थानीय क्षेत्र के आदरणीय विधायक महोदय जी श्री बिहारी लाल जी आर्य साहब पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से 11,000 रुपये का सहयोग नारायण सेवा संस्थान परिवार के लिए दिया है, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। देखिए विधायक मोदी जी को मैं थोड़ा सा कष्ट देना चाहूंगा, पहले आप आए थे, हमारे अतिथि थे जब हमें आपका स्वागत करना था, अब आप हमारे लिए समाज सेवी हैं, वो नारायण सेवा संस्थान परिवार के धर्म माता पिता बने हैं, 11,000 रुपये का सहयोग देकर, तो एक बार फिर से मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, आप व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें जी, पधारें। आदरणीय विधायक मोदी जी से मेरी प्रार्थना रहेगी। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, सागर कंप्यूटर राठा परिवार मऊरानीपुर से है, जिन्होंने एक ऑपरेशन का सहयोग दिया है। मैं विधायक जी को कष्ट दे रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसलिए कष्ट देना चाहूंगा क्योंकि आपको देख के और लोगों में प्रेरणा जागृत होगी। आपका नाम है जो कहीं ना कहीं मऊरानीपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आप
कुस्तन राजनीतिक होने के साथ साथ विशिष्ट समाज सेवी भी हैं। जब भी मऊरानी पूर्व में क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में धर्म के आयोजन होते हैं, सेवा के आयोजन होते हैं, संस्कृति के परोपकार के आयोजन होते हैं, तो आप अग्रिम पंक्ति में रहकर आप उस लाइन में खड़े होते हैं जहां से लाइन स्टार्ट होती है। आपका नाम बहुत पहले आता है समाज की सेवा के लिए, दान देने के लिए, ऐसे आयोजनों के लिए। तो हमारे अपने स्थानीय मऊरानी क्षेत्र के विधायक महोदय आदरणीय बिहारी लाल जी आर्य साहब, जिन्होंने आज ही इस आयोजन में पधारे हैं और आते ही 11,000 रुपए का सहयोग आपने संस्थान परिवार के लिए दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ पधारे हैं मनीष जी सेठिया साहब, आप भी 11,000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन। देखिए, कहते हैं ना कि दीपक से दीपक जलाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, तो पहले दीपक के प्रकाश पर कोई असर नहीं होता। तो आदरणीय विधायक महोदय जी पधारे, तो आपके साथ राठी जी पधारे, तो उनके दिल में भी जागृत ये सेवा की भावना आई कि चलिए मेरे द्वारा भी 11,000 रुपए का सहयोग नारायण सेवा संस्थान परिवार को पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सेठिया जी, जिन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग नारायण सेवा संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्ञापित करते हैं। आगे कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा सिद्धि विनायक अग्रवाल जी के पिताश्री आदरणीय जय शंकर जी अग्रवाल साहब, जिन्होंने दवाइयों के लिए सहयोग राशि प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। श्रीमती मीरा गंगेले आपसी के द्वारा एक ऑपरेशन का सहयोग 5100 रुपए का सहयोग आपने संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान किया है, कृपया मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा जय प्रकाश जी गंगेले साहब, आपके द्वारा भी एक ऑपरेशन का सहयोग 5,000 रुपए का सहयोग संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्राप्त हुआ है। आदरणीय जय प्रकाश जी गंगेले साहब मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। नर्मदा हरीश जी द्विवेदी आपसी के द्वारा भी एक ऑपरेशन की घोषणा, 5,000 रुपए का सहयोग संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्राप्त हो रहा है। स्थानीय मऊरानीपुर के ये सभी हमारे दानदाता भामाशाह हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो अपना बहुमूल्य समय और योगदान सहयोग नारायण सेवा संस्थान परिवार को आप प्रदान कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा स्थानीय भक्तजन जिनके नाम मंच से लिए जाते हैं, कृपया परिवार के एक प्रतिनिधि मंच पर आप अवश्य पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय कमलेश चतुर्वेदी जी बुरट महाराज, आप श्री के द्वारा भी एक बच्चे की ऑपरेशन की घोषणा की जा रही है, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन। आदरणीय बुलट महाराज को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चरण वंदन आप सभी कथा प्रेमी बंधुजनों को। इस आयोजन से जुड़कर नारायण सेवा संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए आप मदद कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा पुष्पा पारासर ग्राम बड़बा जिला भवानी हरियाणा से हैं और आपने एक ऑपरेशन की घोषणा संस्थान परिवार के लिए की है, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा पारासर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक ऑपरेशन का सहयोग संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान किया है। गुप्त दान है झांसी से एक परिवार, जिन्होंने 5 ऑपरेशन के लिए 21,000 रुपए का सहयोग संस्थान परिवार की मदद की है, धन्यवाद आपका। भूपेंद्र भाई नंदलाल जी बदरिया, ये भरूच गुजरात से हैं, आपने एक ऑपरेशन का सहयोग प्रदान किया है। सतीश जी मुंडा, ये वासिम से हैं, एक ऑपरेशन की राशि आपने प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा रानी डॉक्टर ऑफ प्रताप सिंह जी हजारी, ये कर्नाटका से हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार के अंतरराष्ट्रीय अवार्ड समारोह के लिए आपने 51,000 रुपए का सहयोग संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आपसी का। जो भी भक्त परिवार नारायण सेवा संस्थान परिवार से जुड़कर अपनी सेवाएं यथा योग्य, जो आपकी श्रद्धा है, मन में भाव है, परमात्मा की कृपा, पूर्वजों के आशीर्वाद से जो भी आपके मन में संकल्प आ रहे हैं, आप उन्हें प्रकट करें। सेवा कार्यालय नारायण सेवा का बना है, आप वहां सहयोग लिखाएं, रसीद आप प्राप्त करें और बाल व्यास जी के कर कमलों के द्वारा आशीर्वाद आप प्राप्त करें। और जो भी आस्था भजन चरण के माध्यम से परिवार जुड़े हैं, संस्थान परिवार के सेवा नंबर आप नोट कर सकते हैं और उन पे उनके द्वारा आप अपना सहयोग भिजवा सकते हैं। तो आइए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कथा के उसी क्रम में पूज्य श्री बाल व्यास जी के पावन सानिध्य में एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ उठाकर सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोलिए जय श्री राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मैं भी आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चैनल के माध्यम से और स्थानीय लोगों ने जो सेवा की है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान शंकर को पता लगा कि यही फायदा हुआ कि विश्व को मोहित होने वाली माया सबको व्याप्ती है, पर जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी तरफ देखती तक नहीं है। इसीलिए शंकर जी ने भी सोचा कि मैं अब बंदर ही बनूंगा। इसलिए 11वें रुद्र में रुद्र देह तजिनेह वसहरते भये हनुमान, भगवान शंकर हनुमान जी का अवतार करते हैं। अब नारद जी को विश्व मोहिनी ने जयमाल नहीं डाली, डाल नहीं रही है। इतने में भगवान तुरंत प्रकट हो गए तो विश्व मोहिनी ने भगवान को जयमाल डाल दी। अब भगवान तो चले गए। नारद जी ने कहा शंकर जी के गणों से कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। कहा कि सुंदर तो आप अभी भी हैं। निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, जल में जैसे ही अपना चेहरा देखा नारद जी ने बड़ा क्रोध आया, कहा जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण बोले बाबा हमने तो सूचना दी है, पर जिसने ये सुंदरता दी है कहा उनके पास हम अभी जा रहे हैं। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान विष्णु के पास। अब देखिए भगवान कौतुकी कृपालु हैं। भगवान ने पहले लक्ष्मी जी से विवाह तो किया ही, पर संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरा एक नहीं होने दिया, स्वयं दो दो को लिए खड़े हैं। तो गालियां देने लगे नारद जी, कपटी कुटिल स्वार्थी। भगवान हंसने लगे। नारद जी बोले मैं गालियां दे रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। भगवान बोले कि विवाह अभी अभी विवाह होकर आ रहा है और विवाह में गालियां मिलती ही हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अभी विवाह ही चल रहा है। नारद जी ने कहा तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान बोले किसे बिठा ले। कहा कि मैं श्राप दे रहा हूं तुम्हें, इसको बिठा लो। जैसे आज मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, ऐसे ही तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे और तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में रोओगे, तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाएगा। श्राप शीश धरी प्रभु ही अस, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रवलता करश कृपा निधि लीन। भगवान ने अपनी सारी माया को दूर कर लिया और जैसे ही माया को दूर किया तो कोई नहीं, सब कुछ गायब हो गया। अब नारद जी तो भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान बोले कि नारद जी मुझे धरती पर अवतार लेना था, तो अब आपके श्राप के माध्यम से भी मैं धरती पर अवतार लूंगा। तो एक कारण भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि एक कारण ये भी है। अब माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं
कि एक कारण है महाराज मनु और महाराज शत्रुपा, उन दोनों के जीवन में कोई भी कमी नहीं थी, और कमी थी तो बस कमी की ही कमी थी। बेटा उत्तानपाद जैसा, बेटी का नाम, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत, बेटी का नाम देवहूति, दामाद का नाम करदम ऋषि, और बेटे के यहाँ तो भक्त हुआ भक्त राज ध्रुव, और बेटे के यहाँ तो भगवान ने अवतार लिया जठर धरे उते ही कपिल कृपाला, कपिल भगवान ने अवतार लिया। वे इतने बड़े राजा, वैभव पद प्रतिष्ठा, कोई कमी नहीं है, पर महाराज मनु बड़े दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जन्म गयो हरि भगति बिन, विषयों से विराग नहीं होता। बद्धो ही को यो विषयानुरागी, विषयासक्त है, विषय बांधे है, राग बांधे है। देखो मानस के दो महिमामय राजा हैं, एक तो महाराज मनु और दूसरे महाराज जनक। महाराज मनु को घर छोड़कर वन में जाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जन्म गयो हरि भगति बिन, क्योंकि विषय है वहां पर, और महाराज जनक को जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सहज विराग रूप मनमोरा। अगर राग नहीं है तो कहीं भी रहे कोई कठिनाई नहीं, राग ही तो बंधन है। तो महाराज मनु ने अब त्याग किया। वे जाते हैं मुनियों के संग में, क्योंकि जहां रहकर राग नहीं मिट रहा है उस स्थान का त्याग कर दे, फिर उनके बीच में जाएं जिनको सहज विराग है। महाराज मनु भक्तों के संतों के संग में जाते हैं, मुनियों के संग ने जिंदगी बदल दी। करहि आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आहार मूल फल त्यागे, लालसा एक ही देखिए नयन परम प्रभु सोई। महाराज मनु बहुत घनघोर तपस्या करते हैं शत्रुपा जी के साथ, ऐसी तपस्या की कि विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी ऐसा तप देखकर महाराज मनु के पास बहुत बार आए, पर महाराज मनु तो परम धीर नहीं चले चलाए। एक क्षण ऐसा आया कि जब अनन्यता का भाव आ गया तो वाणी सुनाई पड़ी भगवान की, मांगो मांगो बर भई न भवानी, 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 परम गंभीर कृपा
मामा